हे व्हाट्स गुड एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल श्योर लर्निंग। और इस वीडियो में मेरे पास रियली आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी एक गुड न्यूज़ है, और ये एम्स के स्टूडेंट के लिए। तो मेरे पास एक आर्टिकल है, आइए इसको पढ़ के मैं शुरू करता हूँ। और शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा चैनल श्योर लर्निंग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो गुड न्यूज़ एम्स के स्टूडेंट के लिए ये है कि कल्याणी में जो एम्स है उसका फर्स्ट MBBS बैच इसी साल से स्टार्ट होने वाला है। ये एक न्यूज़ चैनल की एक रिपोर्ट है और उसकी आर्टिकल है, उसका आर्टिकल है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ इसमें लिखा क्या है। कोलकाता कल्याणी, द बंगाल एम्स एट कल्याणी विल स्टार्ट इट्स फर्स्ट MBBS बैच दिस ईयर विद 50 सीट्स। एम्स दिल्ली विल कंडक्ट द 2019 एडमिशन टेस्ट ऑन May 25 and 26। Officials from Delhi will visit Kalyani to check the infrastructure and construction progress on Wednesday. The classes too will start this year. तो गाइज, जो कोलकाता में कल्याणी में एक एम्स बन रहा था उसका कंस्ट्रक्शन चालू हो गया था, उसका इसी साल से अभी इनॉग्रेशन हो जाएगा और इसी साल से उसमें फर्स्ट MBBS बैच उसका स्टार्ट हो जाएगा 50 MBBS सीट्स के साथ। और इसके साथ ही आर्टिकल में पूरी इसकी 50 सीट्स, कब उसका एग्ज़ाम है और पूरी डिटेल्स उसमें लिखी हुई है, कितने एकड़ जगह में ये बना हुआ है। और इसके बाद इसमें आगे लिखा हुआ है कि इस मेडिकल कॉलेज में, इस एम्स में इस बार अगर कंस्ट्रक्शन खाली उसका पूरा हुआ है, ओनली इतना कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया है कि उसमें एक फर्स्ट ईयर का बैच चल सके, तो इसलिए ये उनका फर्स्ट बैच है। तो फर्स्ट ईयर का जब तक बैच उनका चलेगा देन तब तक आगे की बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, यानी कि अभी पूरा बना नहीं है बट जो बैच है वो इसी साल से शुरू हो गया है इसमें। तो गाइस, ये थी आपके लिए एक गुड न्यूज़ एम्स के एग्ज़ाम के लिए, और ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा चैनल श्योर लर्निंग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है, किसी भी क्वेश्चंस में आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे प्लीज़ बता दीजिए, मैं उसका आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।